अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपी निकले शातिर चोर। पुलिस ने की 20 मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के तहत सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, साथ ही उनके कब्जे से अवैध शराब भी बरामद की थी। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज होना पाया गया, साथ ही उनके कब्जे से पुलिस ने 20 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है, जो उक्त आरोपियों द्वारा गुना अशोकनगर राजगढ़ शिवपुरी से चुराई गई थी। गुना जिले में अवैध शराब एवं नशे के विरुद्ध शिकंजा अभियान चल रहा है एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में भी कार्रवाई जारी है। इसी दिशा में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि जहरीली शराब के साथ 2 अपराधी निकल रहे हैं, जिनकी चेकिंग लगाई गई एवं चेकिंग लगाने पर वह जहरीली शराब के साथ 2 आरोपी योगेश यादव और बुंदेल कुशवाहा ये रंगे हाथों पकड़े गए। इनसे पूछताछ पर कुछ संदेह हुआ, जिससे और अधिक पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि इन्होंने मोटरसाइकिलें चोरी काफ़ी बड़ी मात्रा में की हैं। फिर इनके साथ काफ़ी सघनता से पूछताछ की गई, सारे सबूत जुटाए गए। इनसे 20 मोटरसाइकिलों का जखीरा बरामद हुआ है। इन्होंने गुना की 6, शिवपुरी की, अशोकनगर की, राजगढ़ की, इस प्रकार से आसपास के जिलों प्लस गुना में इन्होंने मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। एक बड़ी संख्या में 20 की संख्या में मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनका कि लगभग 10 से 12 लाख का मशरूका होता है। इस तरह से 12 लाख के मशरूके की मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं इनसे अलग अलग स्थानों से, और इनको गिरफ्तार करके पीआर पर लिया जा रहा है। और भी अधिक इसकी संख्या बढ़ सकती है, इस संबंध में इनसे और पूछताछ जारी है। इस प्रकार ये शिकंजा अभियान के तहत की जाने वाली कार्रवाई में बड़े मोटरसाइकिल चोर भी पकड़े गए हैं, जिनसे एक बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इस पूरे कार्य में जिस टीम ने अच्छा कार्य किया है उन्हें पृथक से पुरस्कृत किया जा रहा है, और इस तरह जो भी मोटरसाइकिल चोर यदि गुना में चोरी करते पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।